नमस्कार, मैं हूं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल समर्थ सहारा में। आज हम आपको प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नगर परिषद सिलवानी जिला रायसेन की अपील है, नगर में कोरोना से बचाव के लिए शासन के नियमों का पालन करते हुए निम्न बातों का ध्यान रखें। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, मास्क जरूर पहने, हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें और एक दूसरे से दो गज की दूरी बनाए रखें। कृपया स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत में सहयोग करें, कचरा डस्टबिन में ही डालें। निवेदक संघ मित्रा बौद्ध, प्रशासक SDM नगर परिषद अधिकारी सिलवानी। राजेंद्र शर्मा मुख्य नगर परिषद अधिकारी सिलवानी। जहां एक ओर कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा कर रखा है, तो वहीं दूसरी ओर गांवों में टीकाकरण को लेकर विभिन्न प्रकार की अफवाहें फैली हुई हैं। हम तो मर जाएंगे लेकिन टीका नहीं लगवाएंगे, टीके से तो लोग मर रहे हैं, ऐसा ग्रामीण लोग बोल रहे हैं। ऐसा ही मामला जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर कोठरा गाँव में भी देखने को मिला, जहां पर 45+ को टीकाकरण करने पहुंची टीम को बेरंग होकर लौटना पड़ा। दरअसल आज टीकाकरण की टीम कोठरा गांव में पहुंची थी और यहां पर 45+ वालों को टीकाकरण होना था, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति टीकाकरण के लिए नहीं पहुंचा। जब ग्राम संकट प्रबंधन समिति की टीम के द्वारा उनके घर घर पहुंची तो लोगों ने यहां तक कहा कि हम तो मर जाएंगे लेकिन टीका नहीं लगवाएंगे, टीके से तो लोग मर रहे हैं, हमें टीका नहीं लगवाना और दोबारा हमारे घर भी मत आना। एक व्यक्ति तो ऐसा भी है, इसका बेटा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद का है लेकिन उसने भी टीका लगाने से इनकार कर दिया। गांव के लोग पंचायत सचिव और ANM आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और कोरोना वॉलेंटियर्स ग्राम संकट प्रबंधन समूह की बात मानने को भी तैयार नहीं है। आज कोठरा में वैक्सीनेशन कराने के लिए टीम पहुंची तो उसके पहले गांव कोठरा के ग्राम संकट समूह की बैठक आयोजित की गई। इसमें घर घर वैक्सीन के लिए लोगों को प्रेरित किया गया, जिससे लोगों ने सामूहिक रूप से वैक्सीन का बहिष्कार कर दिया और आज हम लोगों ने टीम बनाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए घर घर जाकर प्रेरित किया लेकिन गाँव के लोग मानने को तैयार नहीं हुए। आज गाँव कोठरा में स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए गांव कोटरा में आई थी तो कोई भी व्यक्ति कोरोना वैक्सीन लगाने नहीं आया। संकट प्रबंधन समूह के सदस्य होने के नाते और कोरोना वॉलेंटियर होने के नाते हमने गांव में जाकर टीम बनाकर गांव में जाकर लोगों को अपील की और लोगों को समझाया कि कोरोना की वैक्सीन लगाइए, यही एकमात्र उपाय है, लेकिन कोई भी व्यक्ति लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ और वो पता नहीं किस तरीके की भ्रांतियाँ और किस तरीके का दुष्प्रचार उनमें हुआ है, जो वो कह रहे हैं कि लोग तो इससे मर रहे हैं और हमें नहीं लगानी कोरोना की वैक्सीन, चाहे हम मर जाएंगे, तो इस तरीके के विरोध का सामना करना पड़ा और आज कोरोना बचाव दल के सदस्यों को बेरंगे लौटना पड़ा और किसी भी व्यक्ति ने वैक्सीन नहीं कराई। तो इसी के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए कि इस तरीके के दुष्प्रचार को रोका जाए और गाँव में 100% कोरोना वैक्सीन को लगाया जाए। तो हम भी ग्रामीण स्तर पर इसके प्रयास कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 100% कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और आगे भी जारी रखेंगे। तो चलिए हमारे साथ इस खबर में इतना ही, बाकी प्रदेश की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।